हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। ये मेरा बाजू का लंबाई 14.5 इंच है और इसका चौड़ाई 7.5 इंच है। और मेरा ये एक कपड़ा है जिसका चौड़ाई 2 इंच है। इसको यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे और एक साइड से इधर से फोल्ड करके एक बार और ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से किनारे पर एक सीधी सिलाई चला के पूरे में रेडी कर लेंगे। और यहाँ से धागे को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक पेपर लेंगे जिसका चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको यहाँ से डबल फोल्ड करके 20 सेंटर इसका निकाल लेंगे और यहाँ पे चौक के हेल्प से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये इसके हिसाब से बहुत सारे पीसेस को कट करके रेडी कर लेंगे। अब पेपर पे यहाँ पे ऐसे रखेंगे फ्रेंड और एक इस साइड से ऐसे रखेंगे और किनारे पे सीधी सिलाई चला लेंगे। कुछ इस तरह से डिज़ाइन को बना के रेडी करेंगे और एक इस साइड से ऐसे करके हम सारे डिज़ाइन को बना के रेडी कर लेंगे। ये मेरा एक साइड का बन के रेडी हो गया और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे फ्रेंड और इस साइड भी ऐसे ही एक सिलाई चला लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर और कपड़े को कट कर लेंगे दोनों साइड से। और ये मेरा एक कपड़ा है जिसका चौड़ाई 4 इंच है। इसको डिज़ाइन को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर से एक सीधी सिलाई चला के रेडी कर लेंगे और यहाँ से धागे को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और कपड़े को बाहर की साइड ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से एक फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सीधी सिलाई चला लेंगे। इसको आप प्लाजो पैंट पे भी बना सकते हैं फ्रेंड। इसको बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे और इसके साइड में भी एक और सियन को चला लेंगे और बाजू के ऊपर यहाँ पे ऐसे रखना है और इसके ऊपर से एक सीधी सिलाई चला के रेडी कर लेंगे और धागे कट कर लेंगे, ऐसे ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर से एक सीधी सिलाई चला लेंगे जिससे मेरा अच्छा से फिनिशिंग हो जाए और पीछे करके पेपर को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, पेपर निकाल लिए। डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।